हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, बिकॉज सीरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी उसकी खांसी करने की। ठंडा उसका बिल्कुल बंद किया हुआ है 3-4 दिन से। वैसे ऐसा कुछ ठंडा पीती नहीं थी, थोड़ी बहुत कभी कभी कोक ले ली तो ले ली, एक आइसक्रीम। हेलो गाइस, तो सीरत को स्कूल भी नहीं भेजा मैंने, 2-3 दिन हो गए, क्योंकि मैंने स्कूल में कॉल किया था कि खांसी आप लोग मैनेज कर लोगे, तो मैम ने बोला कि नहीं आप प्लीज़ मत भेजना, क्योंकि बाकी के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं प्ले के। आप कैसे हो? तो मत भेजना क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बाकी बच्चे भी परेशान होंगे, तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने भी यही बोला कि हाँ इन्फेक्शन है, तो बस अभी सीरत गई नहीं है, सीरत की तबीयत ठीक नहीं है, हल्का फुल्का सा फीवर है। वो तो देखो गला ख़राब है, खांसी इतनी ज़्यादा है, रनिंग नोज़ है, उसकी वजह से हो ही रहा है। बाकी इतने दिनों में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, दूसरा सीरत की तबीयत की वजह से थोड़ा वो था, और भाई भाभी और उनके बच्चे आए हुए थे, मतलब जो मेरा बड़ा ब्रदर है, पता नहीं हाँ देखा ही होगा राखी वाले व्लॉग में, तो बड़ा ब्रदर भाभी और उनके जो दो बेटे हैं वो लोग आए थे, तो 3 बच्चे हो गए थे। ये घर में इतना लड़ते थे, इतना लड़ते थे, खेलते थे, लड़ते थे, कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, आपको सीरत का चीख दिख रहा होगा, ये देखो ये नेल मार दिया। तो देखो बच्चों में तो ये सब लगा ही रहता है, तो इन सब के साथ और बाकी घर के काम, जॉब, और ऊपर से जॉब भी नाइट चल रही है, तो इन सब में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतनी ज़्यादा बिजी थी कि व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करा और बना भी नहीं पाई। तो बस अभी बना रही हूँ कुछ व्लॉग। मैंने और सीरत ने नाश्ता कर लिया, मैंने बनाए थे 3 तरीके के पराठे बनाए थे, आलू के जो अंकित लंच में ले गए, मूली का जो मैंने खाया है, अब बचा गोभी का, जो मम्मी के लिए मैंने तीनों ऑप्शन थोड़े थोड़े रखे हैं। मम्मी गई है अपना टेस्ट कराने, मम्मी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हमने बोला एक बार ECG करा लो, नॉर्मल आई तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो एटलीस्ट हम उसका ट्रीटमेंट अभी से शुरू कर लेंगे। तो मम्मी गई है डिस्पेंसरी, वहाँ से मम्मी जाएंगी पार्क हॉस्पिटल, अंकित गए हैं अपने ऑफिस, और भाई भाभी भी चले गए, तो घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन भरा भरा था ना चहल पहल, जिधर से निकलो उधर ही सामान पैरों में आ रहा है, बच्चे इतना ज़्यादा गंद मचाते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, सीरत को मैंने ऑयलिंग वॉइलिंग कर दिया ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसके सर दर्द में थोड़ा सा आराम आए, तो कर दिया। वो खा लो क्या? सबको बोलो आप मेरे लिए प्रे करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। बखालो लटा। और खांसी कैसे हो रही है आपको? कैसे? ओए मेरा बच्चा, अभी ठीक नहीं है। तो भाई मेरा बच्चा अभी ठीक नहीं है, मैंने उसको भी मेडिसिन दी है, तो बस मैं फटाफट नहा लेती हूँ, इसको बिजी करूंगी किसी छोटे मोटे काम में, क्योंकि इसको मैंने रेडी कर दिया है, तो बस मेरे को 2-4 काम करने हैं बाथरूम में, और मैं जा रही हूँ बाथरूम में, आके नहाती हूँ, और आके नहाती हूँ, नहा कर आती हूँ, और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। आप मेरे बालों से क्या कर रहे हो? मेरे में कंघी नहीं करो, मेरे को भी वॉश करना है। आप आजादी छोटी कंघी होती है ये बेबीज की। बुग्गू बुग्गू आप आराम करो, आप रेस्ट करो। टिड्डी आप हो, आप हो। तो गाइस आप बताना टिड्डी कौन है? टिड्डी चीता है। अच्छा सबको बताओ आपको क्या चाहिए? गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट चाहिए? बॉल। बाबा तो गाइज मैं हो रही थी बोर, क्योंकि आपको पता है मेरी नाइट जॉब चल रही है, तो मैंने सोचा कुछ अजी अच्छा सा किया जाए, सीरत के साथ कुछ रील्स डाली जाए, तो आप लोग प्लीज मुझे फॉलो करो, कॉर सिटी प्रिया इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरी वीडियोस देखनी या नहीं देखनी आप सीरत की जरूर देखना, बिकॉज सीरत इज लुकिंग डैम क्यूट। सीरत अरे सबको दिखा तो दो, आप कितने पाले लग ले हो। ओह 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 अरे दिखा तो दो, ऐसे कू कर ले हो। ये रही आपकी प्यारी शीतू। शीतू प्यारू, शीतू प्यारू, शीतू प्यारू, शीतू प्यारू, पहले पहले अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाओ आप कैसे लग रहे हो। आई नी
इतना प्यारू लग रहा है। और मैंने ये लगाया था तुलसी और ये लगवाया कड़ी पत्ता की। कड़ी पत्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है घर पे। नो नो नो, हाँ किसी घर पे तोड़ना नहीं है। ओके बोलो जल्दी बिगो जाओ, दीदी के साथ खेलना फिर। पहले पहले पानी दादी ने दे दिया सुबह, अब हम शाम को देंगे। पहले अपनी डॉल उठाओ। हाय हाय मेरा बच्चा कितना नोना पोना लग रहा है। क्या नहीं, शाम को धुप्पू में नहीं देते, मैंने आपको सिखाया था ना, धुप्पू में पानी नहीं देते। चलो अंदर चलो, गम्मी हो रही है, जल्दी चलो जल्दी भागो भागो, रन 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 रन। बैग भी उठाओ, कितनी गंदगी मचाई है सीरत, कितनी गंदगी मचाते हो आप। चलो चलो अंदर चलो। अरे मेरा ब्यूटीफुल बच्चा, चलो कप्पे चेंज करके पुराने कप्पे पहनो, ये नोने कप्पे हैं ना, कहीं और पहनेंगे ठीक है। हाँ जी हाँ, ये पहन के हम शादी में जाएंगे। किसकी शादी में जाएंगे है? तो हेलो गाइस, मैं और सीरत थोड़ी देर सो चुके थे क्योंकि रात को 3 बजे तक जॉब है, तो मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ दोपहर में 1-1.5 घंटा सीरत को लेकर। और हम सो भी चुके हैं, सीरत ने उठ के कुछ खाने के लिए मांगा था, सीरत और मम्मी ने रोटी भी खा ली है। मेरा मन नहीं है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है कुछ, रोटी खाने का मन नहीं करता, बाकी पता नहीं क्या खाने का मन करता है वो भी नहीं समझ में आता। ऊपर बहन है, आ जाओ और बना रही हूँ चाय क्योंकि 5 बज गए, 6 बजे से जॉब है, तो सोच रही चाय बना लूँ। और चाय के साथ कुछ क्रंची सा खाना है, तो मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, डाइट मिक्सचर, तो मैं बना रही हूँ डाइट मिक्सचर। तो बस कढ़ाई रख दी है, मेरा कढ़ी पत्ता, ये मूंगफली, बैठो आराम से बैठा, गिर जाओगे स्लिप से, मेरा पोहा। तो बस मैं बनाती हूँ मिक्स डाइट मिक्सचर, उसके बाद मजे से पीते हैं चाय। और ये सुंदरी ने सूट उतार के अपनी नॉर्मल लुक में वापस आ गया गाइज, में वापस आ गया। हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? ओ फाइन, ठीक से बैठो, गिर जाओगे सीरत। मैं इसको यहीं उठा के रख लूँ, ये इधर उधर मत आओ। तो रेडी हो गई है जी मेरी डाइट मिक्सचर, गैस मैं बंद कर रही हूँ, मैंने इसको भून लिया है अच्छे से। मैं इसको 5-7 मिनट ठंडा होने के लिए रख देती हूँ पंखे के नीचे, ताकि ये थोड़ा सा कड़कपन में आ जाए। अगर आप छोटे छोटे अपने घर में बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप ये जो लाल लाल कलर दिख रहा है, ये लाल मिर्च है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट मेरी सीरत खा लेती है लाल मिर्च, तो मैंने मिर्ची डाली है, मम्मी भी खा लेते हैं, तो हमने थोड़ी सी स्पाइसी सी बनाई है। आप चाहो तो आप मिर्च हटाकर विदाउट मिर्च बना सकते हो। क्या हो गया अभी, चिपा रहे क्यों हो, ये खा रहे हो, खा लो खा लो मेरी जान। किसकी जान हो? और आपकी जान कौन है? पापा है? पापा। आपकी जान पापा है, मम्मा कुछ भी नहीं है आपकी। ओ गॉड, मेरे को कोई पाल नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। कौन करता है? मैं। आप करते हो? थैंक यू जान। दादी को पूछ के आओ, मम्मा पूछ रही है आपके लिए नमकीन बनाई है साथ में, मीठी चाय लोगी? जाओ अभी नहीं पीना, अभी मूंगफली खाइए, 10 मिनट्स वेट करो फिर पानी पीना, जाओ बी अ गुड गर्ल सीरत। हाँ जी आ गया पिज्जा, मम्मी को थैंक यू तो बोलो। मम्मी क्या कर रही, बार बार ऑर्डर कर रही, आपके लिए मम्मा ने ऑर्डर किया, मम्मा को थैंक यू तो बोलो। ऐसा नहीं खुलेगा, थैंक यू मम्मा आई लव यू, बोलो थैंक यू मम्मा आई लव यू। आ जाओ कम। तो जी माय बेतू इज एंजॉयिंग हर पिज्जा, कैसा लग गया चोने? बहुत टेस्टी पिज्जा मंगवाया है। मम्मी पानी पास करना साइड से, दादी पानी दे रही है, खाओ पिज्जा, दादी को भी बोलो आप लोगे, दादी बोलो ले लो टेस्ट कर लो, पहले आप ढंग से पकड़ो वरना तो टूट जाएगा। ऐसे पकड़ते हैं पिज्जा ऐसे। आ माय क्यूट बच्चा, पापा को चिढ़ाए फोन करके? ओके तो मेरी चल रही है जॉब, मैं कर रही हूँ अपनी जॉब, ये आपको भी लैपटॉप दिख रहा होगा। मैं अभी जस्ट एक विक्स का क्या बोलते हैं, विक्स लेने के लिए उठी थी,
तो बस मैंने वैक्स लगा लिया अपने नोज पे, आपको दिख ही रहा होगा, ये हैंकी भी ले लिया है क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी मौसम 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, मतलब पंखे में भी ठंड लगती है, बट अंकित बीइंग अंकित वो नहीं चलाने देते पंखा, उनको एसी ही चाहिए, उन्होंने एसी चलाया हुआ है और मेरे को लग जाता है कोल्ड एसी चलने से, तो बस मैंने विक्स अप्लाई कर ली है। मेरी जॉब है सुबह 3 बजे तक और अभी 2 ही बजे, एक पूरा घंटा पड़ा है मेरे को स्पेंड करने के लिए, पीछे आपको दिख ही रहा होगा सीरत और अंकित दोनों सो गए हैं, तो मैं देख रही हूँ सीरीज़ जिसका नाम है आखिरी सच, और ये बेस्ड है, आपने सुना होगा बहुत पहले, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है कितने लोगों ने नहीं, यानी दिल्ली में कृष्णानगर में पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। अब वो सुसाइड था या मर्डर था, इससे पहले भी एक स्टोरी आई थी वो भी मैंने देखी थी कि वो लोग अंधविश्वास में फंस के अपने फादर इन लॉ को वापस लाने के लिए, जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको वापस लाने के लिए उन्होंने ऐसा टोटका किया था कि हम सब मरेंगे नहीं, पापा वापस आके हमें बचा लेंगे, तो उन सब ने फांसी लगाई थी और वो मर चुके थे। और अभी जो आज स्टोरी देख रही हूँ आखिरी सच, इसमें कुछ और ही है, प्राइम वीडियो पे है, तो ये दोनों सो गए हैं तो मैं क्या ही करूँ, बोर हो रही हूँ, 3 बजे तक मेरी जॉब है, तो बस मैं देख रही हूँ वो सीरीज़, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और लकीली कल मेरा अंकित का सीरत का तीनों का, और सीरत तो खैर मैं भेज ही नहीं हूँ उसको कोल्ड की वजह से, तो बस मैं कल और परसों का और वेट करूँगी, आफ्टर दैट सीरत का सैटरडे संडे ऑफ होता ही है, तो मंडे से आई विल कंटिन्यू कि यू नो आई विल मेक श्योर कि वो स्कूल जाए, क्योंकि गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन में स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है जिसकी प्रिपरेशन करनी है, लाइक डांस प्रैक्टिस एंड ऑल, तो बच्चा इन्जॉय करता है इन सारी चीज़ों को, तो मैं उसको मंडे से फॉर श्योर भेजूंगी, क्योंकि अभी वो लिटरली ठीक नहीं है, 10 मिनट्स होती है, फिर 10 मिनट बाद इतना खांसती है कि उसको नींद ही नहीं आती, फिर मुझे उसको अपने पेट पे या फिर छाती से लगा के उसको सुलाना पड़ता है। बाकी उसको दे दिया है जो घरेलू नुस्खे होते हैं, लाइक हनी में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और अदरक को कद्दूकस करके उसको निचोड़ के उसके 2-4 ड्रॉप्स जो भी निकलते हैं जूस के, वो सारी टोट के उसके साथ आजमा रही हूँ, स्टीम भी दे रही हूँ, स्टीम इतनी ईजिली नहीं ले रही क्योंकि वो जो हम लोग बड़ी स्टीम लेते हैं ना, बड़े लोग जो स्टीमर से लेते हैं वो वाली स्टीम है, क्योंकि नेबुलाइज़र मैंने कीरत के घर पर भेज दिया था, जो भी उसका पार्ट होते हैं ना वो भेज दिए थे, मशीन उनके पास है, तो कल देखते हैं, कल छुट्टी है तो प्रीति दी के उधर जाके नेबुलाइज़र लेके आती हूँ मैं उनका, कीरत अब ठीक हो चुका है तो अब सीरत के काम आ जाएगा, बच्चों के साथ यही लगा रहता है। बाकी अगर मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम फील हुई कि हाँ इसको हो ही रहा है बार बार, तो मैं एक नेबुलाइज़र ऑर्डर कर लूँगी, दैट इज़ नॉट यू नो सॉरी इतना कॉस्टली वगैरह कुछ नहीं है, 1200-1300 का आ जाएगा, तो मैं उसको ऑर्डर ही कर लूँगी, देखती हूँ कल मैं क्या करूँगी। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। बाय।